दोस्तों स्वागत है आपका IPL 2019 से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जहां पर बात करेंगे इनकी स्ट्रेंथ की और इनकी वीकनेस की IPL 2019 को लेकर। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगा। वहां पर भी दोस्तों हम रेगुलर वीडियोस डालने वाले हैं, तो आप हमारे उस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जो कि अपना पहला टाइटल जीतने के लिए उतरने वाली है IPL 2019 में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस टीम की स्ट्रेंथ की। तो इस टीम की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है दोस्तों इस टीम की बैटिंग। बहुत ही ज्यादा तगड़ी बैटिंग लाइनअप है दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, जहां पर इस साल इन्होंने हेटमायर और मार्कस स्टोइनिस जैसे बड़े हिटर को जो है अपने स्क्वाड में शामिल किया है। दोस्तों बात करें अगर इनके बैट्समैन की, तो इनके जो तीन सबसे बड़े बैट्समैन है वो है दोस्तों विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और हेटमायर। इनके अलावा दोस्तों पार्थिव पटेल भी हमें जो है वो टॉप ऑर्डर में दिखाई देंगे। पावर हिटर की अगर बात करें तो एंड में दोस्तों मार्कस स्टोइनिस, शिवम दुबे और दोस्तों कॉलिन डी ग्रैंडहोम जैसे पावर हिटर भी जो है इनके बैटिंग में मौजूद है। तो बहुत ही बढ़िया यहां पर बैटिंग लाइनअप है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। और अगर इनकी बैटिंग को हम कंपेयर करें किसी भी टीम से IPL 2019 की, तो ये टीम जो है हावी पड़ने वाली है किसी भी टीम के ऊपर। और ये सबसे बड़ी मजबूती यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की IPL 2019 में। बात करें दोस्तों अगर इनके स्पिनर की, तो युजविंदर चहल है इनके पास जो कि बेस्ट स्पिनर है, लेकिन एक कमी यहां पर ये कि बैकअप जो है इनके पास लेग स्पिनर का नहीं है, सिर्फ इकलौते युजविंदर चहल जो है वो यहां पर लेग स्पिनर है। बात करते हैं दोस्तों इनके फास्ट बॉलर की, तो फास्ट बॉलिंग भी यहां पर काफी अच्छी है, जहां पर टीम साउदी है, उमेश यादव है, मोहम्मद शमी है, नेथन कुल्टर नायर है, कुलवंत खेजरोलिया है और नवदीप सैनी है। तो फास्ट बॉलिंग भी बहुत ही बढ़िया है टीम की। और इस साल दोस्तों एक एडिशनल जो स्ट्रेंथ इस टीम की निकल कर आई है वो ये कि इस टीम के पास फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन जो है वो काफी सारे होने वाले। लास्ट ईयर हमने देखा था कि फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन में जो है वो मार खा रही थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जहां पर कॉलिन डी ग्रैंडहोम को जब मौका दिया तो वो काफी महंगे साबित हुए, पवन नेगी काफी महंगे साबित हुए, लेकिन इस साल यहां पर इनके पास फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन काफी सारे होंगे। और ओवरऑल अगर बात करें तो इनके पास 6-7 बॉलिंग के जो है वो ऑप्शन होंगे, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस यहां पर हमें टॉप ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई देंगे, शिवम दुबे होंगे और ये सभी जो है बढ़िया ऑलराउंडर है। तो ये एक और बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है आरसीबी की IPL 2019 में। अब दोस्तों अगर बात करें इनकी वीकनेस की, तो काफी कम वीकनेस है आरसीबी के स्क्वाड में। सबसे पहली जो वीकनेस है वो ये कि यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस और नेथन कुल्टर नायर जो है वो शुरुआत के 2 हफ्ते जो है वो मिस कर सकते हैं IPL 2019 के, और ऐसे में टीम को स्टेबल करने में जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। बात करें दोस्तों दूसरी वीकनेस की, तो वो है नंबर 7 का स्लॉट। दोस्तों लास्ट ईयर भी हमने देखा था कभी पवन नेगी को मौका दिया गया था, कभी कॉलिन डी ग्रैंडहोम को, कभी वॉशिंगटन सुंदर को, और ये तीनों के तीनों जो है वो लास्ट ईयर फ्लॉप रहे थे, ना ही बैटिंग से परफॉर्मेंस किया था ना ही बॉलिंग से। और इस साल भी दोस्तों यही ऑप्शन है यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास, यहाँ पर कोई भी चेंज जो है वो आरसीबी की टीम ने नहीं किया है। तो अगर एक और बार इनका परफॉर्मेंस पिछले साल जैसा जाता है, तो एक और बार बड़ी मुसीबत में जो है वो आरसीबी की टीम आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम टीम को देखें तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, और पिछले साल से तो काफी ज्यादा मजबूत हुई है, चाहे बैटिंग की बात करें, चाहे ऑलराउंडर्स की बात करें, चाहे हम बात करें बॉलर्स की। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है कितनी मजबूत हुई है आरसीबी की टीम IPL 2019 में, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, या फिर आप हमें ये जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है इस साल आरसीबी के कितने परसेंट चांस है यहाँ पर IPL 2019 के जीतने के। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।